जय हिंद दोस्तों, एडू इटो पर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 4 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के रियल प्रश्न को देखेंगे। और हाँ, जो हमने 28, 29, 30 को जो पेपर बनाया है वो आगामी एग्जाम में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उससे बहुत प्रश्न आ रहे हैं जिसमें मैंने एक्स्ट्रा तथ्य को डाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न आया था कि संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1951। इससे संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। दूसरा, संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के अंतर्गत 1951 के जनगणना के आधार पर लोकसभा की अधिकतम संख्या निश्चित की गई। लोकसभा की अधिकतम संख्या किसके आधार पर निश्चित की गई, तो 1951 के जनगणना के आधार पर 1952। अगला, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुआ था। और 84वां संविधान संशोधन 2001 में 2026 तक लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करने का ये संशोधन 84वां संविधान संशोधन है। 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत सिक्किम को भारत में मिलाया गया तथा ये 22वां सिक्किम 22वां राज्य बना। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ये भी हमारे पिछले पेपर से है। तो जो भी बांध परियोजना है, नदी है और राज्य का मैंने जिक्र कर दिया है कुछ महत्वपूर्ण, देख लीजिए। रिहंद परियोजना जो है रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। माता टीला परियोजना जो है बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के बीच है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर कर्नाटक में है। मयूराक्षी योजना परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर और ये जम्मू कश्मीर में है। शरावती परियोजना शरावती नदी पर और कर्नाटक में है। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर और ये पंजाब में है। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थल से होता है। तो दोस्तों जितना भी नदी का उद्गम स्थल है देख लीजिएगा एक बार, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है। और कुछ हमने महत्वपूर्ण नदियों का जिक्र कर दिया है उद्गम स्थान का। कावेरी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर के चेम्यून डुंग हिमनद से निकलती है। जमुना नदी जो है बंदरपुच के पश्चिमी ढाल पर जमुनोत्री हिमानी से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। साबरमती नदी उदयपुर जिले के अरावली पर्वत से जयसमुद्र झील से निकलती है। शारदा नदी जो है किमाऊ हिमालय का मिलान हिमनद से निकलती है। अगला प्रश्न आया था, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 24 फरवरी 1556। अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था और इस समय अकबर की उम्र कितनी थी, 13 वर्ष थी। अकबर ने दीन ए इलाही की घोषणा 1582 ईस्वी में की। कितने में की, 1582 ईस्वी में। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया कब, तो 1564 ईस्वी में। अगला है कि हिमाऊ 30 दिसंबर 1530 को गद्दी पर बैठा, ऐसा भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसलिए हमने इसको डाल दिया है। 30 दिसंबर 1530 को हिमाऊ गद्दी पर बैठा और शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर 1540 में 67 साल की उम्र में बैठा। बाबर फरगना का शासक कब बना, तो 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना। शाहजहां का राज्याभिषेक 1628 ईस्वी में, शाहजहां का राज्याभिषेक 1628 ईस्वी में। और जहांगीर का राज्याभिषेक 21 अक्टूबर 1605 को हुआ था। और औरंगजेब का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो जुलाई 1658 ईस्वी में पहला राज्याभिषेक औरंगजेब का हुआ था। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो सांची का स्तूप हो जाएगा अशोक ने बनवाया था। आइए इसे संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। महाबलीपुरम के एकास में यानी रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। दिल्ली नगर की स्थापना तुमर नरेश अनंग पाल ने कराया था। किसने कराया था, अनंग पाल ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। अगला है, मोरहेड़ा के सूर्य मंदिर, तो ये मोरहेड़ा के सूर्य मंदिर हो जाएगा सोलंकी राजाओं ने निर्माण कराया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण बौद्धों द्वारा किया गया था। अजंता की गुफाओं का निर्माण बौद्ध और गुप्त शासकों
द्वारा, दोनों द्वारा मिलकर किया गया था। पहले बौद्ध कराए थे, फिर इसके बाद गुप्त शासक भी उसमें कुछ निर्माण कराए थे। अलोरा की गुफाएं बौद्ध द्वारा निर्मित किया गया था। डच महल पुर्तगालियों द्वारा निर्मित किया गया था। बॉक्साइट उत्पादन में सर्वप्रथम राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो जितने भी उत्पादक और उत्पादन है आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम राज्यों का क्रम है उड़ीसा, इसके बाद गुजरात, इसके बाद झारखंड। तांबा उत्पादन में सर्वप्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। लौह अयस्क उत्पादन में सर्वप्रथम राज्य है उड़ीसा। अभ्रक उत्पादन में सर्वप्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। और कोयला उत्पादन में शीर्ष राज्य है कौन सा है? तो उड़ीसा। इतना चीज़ याद कर लीजिएगा, हो सकता है इससे भी प्रश्न अगले एग्जाम में आ सकते हैं। अगला, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भद्रा बांध जो है कर्नाटक में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध जो है राजस्थान में है। भवानी सागर जो है तमिलनाडु में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। तीस्ता लोड डैम तृतीय पश्चिम बंगाल में है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। इडुकी बांध परियोजना केरल में है। पोचमपाद परियोजना तेलंगाना में है। और तिलैया बांध परियोजना जो है झारखंड में राज्य में स्थित है। अगला, भारत का प्रथम आणविक केंद्र स्थापित है? तो आंसर हो जाएगा तारापुर में, और 1969 में स्थापित किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। किसके सहयोग से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। और भारत का प्रथम प्रक्षेपा अस्त्र जो है पृथ्वी है। भारत का प्रथम मध्यम दूरी का मिसाइल है अग्नि है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र है। और भारत का प्रथम विमानवाहक जो है INS विक्रांत है। भारत में इस समय 9 परमाणु विद्युत गृह हैं। कितने गृह हैं? 9 परमाणु गृह। यहाँ भी आ सकता है क्वेश्चन। और भारत के अंतर्गत निर्माणाधीन है जिसका भारत निर्माण किया है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है रावत भट्टा परमाणु विद्युत ऊर्जा संयंत्र IKAI-4। कहेगा परमाणु विद्युत IKAI-1 और IKAI-2 को जो कर्नाटक में, इसका निर्माण ककरापाड़ा IKAI-3 गुजरात में है। और कुडनुकुलम तमिलनाडु में IKAI-1 और IKAI-2 दोनों का निर्माण भारत द्वारा किया गया है। अगला, कांग्रेस का बेलगांव में अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। और बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। और बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में, सरोजिनी नायडू। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था इकानवा अधिवेशन फैजपुर, और उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष थे रहमतुल्ला सयानी, और इसी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में के अध्यक्ष थे 1886 में दादा भाई नौरोजी, और इसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ? तो विलय हुआ। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज उले, और ये चौथा अधिवेशन 1888 में बने थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, और कांग्रेस का अध्यक्ष भी 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद अध्यक्ष जो बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। अगला जो प्रश्न है, 1857 की क्रांति कब खत्म हुई? ऐसा प्रश्न आ रहा है तो उत्तर हो जाएगा 1858 ईस्वी में। आइए इससे संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। 1857 की क्रांति जो शुरुआत हुई 10 मई 1857 ईस्वी से। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामर्स्ट एंड लिबरल पार्टी से जो संबंधित थे। 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से क्रांति की शुरुआत हुई। किसे शुरुआत हुई? तो 20 NI से, याद रखिए इम्पोर्टेंट है। इलाहाबाद में जो क्रांति के नायक थे वो लियाकत अली थे। बरेली में देव थे खान बहादुर खान थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। फैजाबाद में क्रांति के नायक मौलवी अहमदुल्ला थे। यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने डाल दिया है। और 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक अवध के सिपाहियों ने भाग लिया था। कहाँ सिपाहियों ने भाग लिया था? अवध के सिपाहियों ने। अगला प्रश्न है, DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा DRDO भवन नई दिल्ली। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय है देहरादून में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम केरल में। इसरो का जो मुख्यालय है बंगलोर में है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान उत्तराखंड में है। अगर राष्ट्रीय कहेगा तो हैदराबाद, और भारतीय कहेगा तो उत्तराखंड। और भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIST का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। और अंतरिक्ष कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो बंगलोर में है। अगला, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम है? तो यह नाइट्रस ऑक्साइड। सिंधु
ऐसा प्रश्न आ रहे हैं रासायनिक नाम से, तो इसलिए हम जो इम्पोर्टेंट रासायनिक नाम हटा दिया है। सिंधु का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड, क्विक सिल्वर को पारा कहते हैं, लाल पोटास का पोटेशियम परगमनेट, क्वार्ट्ज का सिलिकॉन ऑक्साइड, जल ग्लास के सोडियम सिलिकेट, कॉस्टिक पोशाक पोटास के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, गमेक्सिन के बेजिन हेक्सा क्लोराइड। अगला, योजना जितने भी हैं एक बार देख लीजिएगा। इसे सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर होगा 4 दिसंबर 2014 को हुई थी। उद्देश्य, इसकी छोटी बचत को प्रोत्साहन तथा बालिकाओं को उच्च एवं विवाह योजना हेतु शिक्षा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से कुछ लड़के बोल रहे, ये भी आया था और ये भी आया, इसलिए हमने इसको दोनों प्रश्नों को डाल दिया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को शुरू हुआ था और इसकी जो उद्देश्य था दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु व अपंग पर बीमा योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को और पेंशन के प्रावधान में 18 से 40 वर्ष के असंगठित लोगों के लिए असंगठित क्षेत्र में था पेंशन से संबंधित। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य था गरीबी रेखा के नीचे महिलाएं के लिए एलपीजी कनेक्शन। देश राजधानी से प्रश्न आ रहे हैं, जिसे इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता, इसीलिए कुछ डाल दिया है। इसे साइप्रस की राजधानी कहाँ है? तो लिफकोसिया। जॉर्डन का अमान, लायोस के बियंतियाने, मालदीव के माले, घाना के अकरा, सूडान के खार्तूम, यूक्रेन के कीव, जॉर्जिया के तेबिलसी, कास्टोरिका के सानजोस, कंबोडिया के नोमपेन, बहरीन के मनामा, अमन के सामा और ताइवान की राजधानी कहाँ है? ताइपे। अगला, हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा विषाणु। विषाणु से होने वाला जो रोग है उसको हमने जिक्र किया है, जैसे खसरा, चेचक, गलसुआ, एड्स, रेबीज या हाइड्रोफीबिया, पोलियो और हर्पीज और इंसेफ्लाइटिस, ये सभी जितने भी रोग हैं एक विषाणु से होते हैं। जीवाणु से होने वाले रोग हैं प्लेग, ब्रोंकाइटिस, डिप्थीरिया, हैजा, क्षय रोग और टाइफाइड, ये जो रोग हैं जीवाणु से होते हैं। बीसीजी का टीका लगता है कब? लगता है तो जन्म लेने पर। और डीपीटी का टीका कब लगता है? 6, 10, 14 सप्ताहों में, 16 से 24 माह की आयु में। सिजोफ्रीनिया क्या है? तो ये मस्तिष्क का रोग है। और डिमेंशिया क्या है? यह स्मृति क्षय रोग है। अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके सदस्यों की संख्या देख लीजिएगा। अभी आया था कि एशियान या ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं, अब पूछ दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने सदस्य हैं, तो आंसर हो जाएगा 193। इसका मैंने पिछले पेपर में ही जिक्र किया है। यूएनओ का 193वां सदस्य है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का दक्षिणी सूडान है। विश्व व्यापार संगठन में कुल सदस्य कितने हैं? तो 164। और 164वां सदस्य क्या है? तो अफगानिस्तान। विश्व बैंक में कुल कितने सदस्य हैं? विश्व बैंक में 189 सदस्य। और 189वां सदस्य क्या है? नाउरू, यहाँ से भी आ सकता है। खाद्य एवं कृषि संगठन में कुल कितने सदस्य हैं? तो 194। यूनेस्को में कुल सदस्य देशों की संख्या है 193। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नैम में कुल सदस्य देशों की संख्या 120 और राष्ट्रमंडल में कुल सदस्य देश कितने हैं? 54 है। तो जो लोग मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो देख लें, वहां से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो दोस्तों इजाजत दे दिए, फिर हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। अभी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।